नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंडियन नेवी MR SSR AA के लिए जीके के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हर क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में दिख रहे घंटे के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इन सभी के PDF के लिए आप जो है में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, महात्मा बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के काल में प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध गेट्स द कोर पोजीशन इन द पीरियड ऑफ होम। चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, अशोक, बिंबिसार, कनिष्क और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि दोस्तों इनमें से किस राजा के काल में महात्मा बुद्ध को एक देवता का जो है स्थान प्राप्त हुआ था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। कनिष्क के काल में दोस्तों महात्मा बुद्ध को एक देवता का जो है स्थान प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस मुगल शासक अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था? दोस्तों मुगल शासक अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? हु इज द फर्स्ट ब्रिटिश केम इन द पीरियड ऑफ अकबर। चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है दोस्तों रोल्फ फिंच, ऑप्शन सी है कैप्टन हॉकिंग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? एट वेयर द फ्रांसीसीज सेटल देयर फर्स्ट फैक्ट्री। चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई और चेन्नई। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। दोस्तों फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला कारखाना, पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, राजा हर्षवर्धन के दरबार में हेवेन सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? राजा हर्षवर्धन के दरबार में हेवेन सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? हु सेंट हेवेन सांग एज ए मैसेंजर इन द कोर्ट ऑफ राजा हर्षवर्धन। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, ताई सुंग। ताई सुंग ने दोस्तों हेवेन सांग को राजा हर्षवर्धन के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप सभी को इसका सही उत्तर पता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, शुक्र को दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, किसे संसार की छत के रूप में जाना जाता है? वट इज कॉल्ड द रूफ ऑफ वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रूफ ऑफ वर्ल्ड, किसे संसार की छत के रूप में जाना जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, आपको बताना है विच इज कॉल्ड द रूफ ऑफ वर्ल्ड। चार ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पामीर का पठार। ऑप्शन नंबर ए, पामीर का पठार इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों किस नदी पर बना गया है। इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो आप सभी को पता है, नर्मदा नदी पर दोस्तों जो है सरदार सरोवर बांध स्थित है। आप सभी को बता दोस्तों, जो सरदार सरोवर बांध है वो यहाँ पर नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में कार्बो एग्लोना पहाड़ियाँ किस राज्य में है? इन इंडिया वेयर इज दी कार्बो एग्लोना माउंटेन सिचुएटेड। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कार्बो एग्लोना पहाड़ियाँ हैं वो असम राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, किसके सहयोग से भारत ने दुर्गापुर षड्यंत्र इस्पात संयंत्र की स्थापना की? विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री इंडिया एस्टेब्लिश द दुर्गापुर प्लांट। चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बाकी दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? एट प्रेजेंट टाइम हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर।
दोस्तों चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 24, 25, 26 और 23। आपको सही उत्तर दोस्तों कमेंट करके बताना है कि वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इंडियन नेवी MR की क्विक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए GK साइंस की जो है ई-बुक्स तैयार कर रखी हैं, उन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की ई-बुक भी अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा इन सारे PDF को पाने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।